एक्स प्लस वाई बराबर 3 या एक्स प्लस 2 वाई बराबर 6। अब सबसे बड़ी बात है ग्राफ कैसे बनाओगे, कैसे बनाने का जो नियम है वो समझो पहले। ये दिया रहेगा, इसको मान लो, इसको जो रहेगा तुम्हारी क्वेश्चन है। देखो ये सवाल है तुम्हारे पास, इसको कुछ नहीं करना है, तो जैसे है वैसे उतार देना है तुमको। ये सवाल है ना, पहले सवाल उतारना है तुमको, क्योंकि इसको समीकरण एक मानोगे, इसको दो मानोगे, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 3। इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा इसको देखिए, एक्स प्लस टू वाई बराबर कितना है 6, दीजिए 6, ठीक है, यानी 6। अब देखो इस तरह से लिख लेना, तो दो पार्ट बनाना है, कॉपी बोर्ड में लंबा होता है, बोर्डो कॉपी क्या होता है लंबा, आपको इस तरह कॉपी नहीं मिलेगा, बोर्ड का कॉपी जो मिलेगा जैसे तुम्हारा कॉपी घर का होता है, ऐसे नहीं कॉपी, ऐसा कॉपी नहीं मिलेगा तुमको, इस तरह का कॉपी बिल्कुल नहीं मिलेगा बोर्ड में, इस तरह कॉपी, वहां पर जो कॉपी बोर्ड का होगा आपको इस तरह से मिलेगा लंबा, ऐसे चकोर कॉपी मिलेगा, ऐसे ऐसे लिखने के लिए देगा आपको, ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे है ना, तो उसका जो कॉपी होता है छोटा उसका जो कॉपी होता है वो ऐसे होगा, ठीक है। तो आपको दो पार्ट में बांट लेना है, यहाँ से यहाँ लिखना है समीकरण एक और यहाँ समीकरण दो। सुनो ऐसे दोगे समीकरण, समीकरण एक से, और इधर क्या दोगे समीकरण दो से। अब सुन, जरा सुनो ये बात को, ये कितना है x प्लस वाई बराबर 3 ना समीकरण एक में, तो ये लिख दो x प्लस वाई बराबर 3। अब सुनो ना, x बराबर क्या लोगे, यहां पर लिया था ना x बराबर 0 लेने पर, क्योंकि इसके बाद शून्य के निकालो, इसका जो अति निकालोगे बिंदु, उसके बाद ना तुम खींचोगे ग्राफ, इसका शून्य तुम निकालना जो थे ना बॉक्स बनाते हो डिब्बा, वो डिब्बा कहां से आएगा, यहीं से आएगा। तो x बराबर क्या होगा 0 लेने पर, अगर x प्लस वाई बराबर दिया है 3, x बराबर क्या ले रहे हैं 0, y का मान कितना है नहीं पता ना, y तो निकालना है, तो अगर 3 0 उस पर आएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो y का y और 3 का 3 प्लस 0 उधर जाता माइनस 0, तो y बराबर कितना आ गया 3। अब पुनः y बराबर कितना लेने पर, y बराबर 0 लेने पर क्या लेंगे, y बराबर 0 लेने पर x बराबर 0 ले लिए, y बराबर 0 ले लेते हैं, दोनों में चलेगा, ठीक है। तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 3, x का x से रहेगा, प्लस y का कितना हो जाएगा 0, y का 0, और ये क्या है 3 का 3। अब देखो x 0 है ना, 3 माइनस 0, तो x बराबर कितना आ गया 3, यहां तक शो कर रहा है इसमें, यहां तक देख पा रही हो उसमें, दिख रहा है क्या, यहां दिख रहा है, यहां ये चलो x बराबर कितना आ गया 3। अब इसका डब्बा बना दो, बॉक्स, ग्राफ वाली बॉक्स, इसको तीन भाग में बांट देना, बीच से दो भाग में, ये होता है x, ये होता है y, x का कितना लिया था y का 3, y का कितना लिया था 0, देखो y का कितना लिया था यहाँ पर 0, x का कितना आया 3, क्या ये बना सकते हो इजी है यहाँ से। चलो समीकरण दो देख लो, x प्लस 2y बराबर कितना है 6, है ना 6, x बराबर कितना लेने पर 0 लेने पर, ठीक है। तो x का x प्लस का प्लस 2y का 2y बराबर 6 का 6, जो सवाल है वो उतार दिए, x बराबर कितना ले रहे हैं, तो x के सामने 0, 2y बराबर में कितना आ गया 6 है ना, अब हो जाएगा प्लस में उधर गया तो माइनस में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 2y बराबर 6 माइनस 0, क्योंकि प्लस से बराबर किस पर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि एक लड़की की कितना लड़का, चार गो लड़का, चार का क्या नियम है, चार का क्या नियम, लड़का कौन कौन है, एगो जोड़ घटा गुना और भाग, चालू क्या कहता है बराबर कोई पर जब होता चेंज भ जब, नहीं कहता है जोड़ कहता है हम घटाओ भ जब, घटाओ कहता है, घटाओ कहता है जोड़ हो जाएंगे, और गुना कहता है और भाग कहता है गुना हो जाएंगे। अब दुआ बराबर कितना हो गया 6, द्वितीया वाई बराबर कितना आ गया 3 आ गया, अब वाई बराबर 0 लेने पर, क्या हम y बराबर 0 ले रहे हैं ना, तो y बराबर कितना लेने पर 0 लेने पर। अब जैसे ही y बराबर 0 ले रहे हैं तो देखिए ना, इधर फटाफट x प्लस 2y बराबर 6 है ना, तो x का x प्लस 2 का 2 गुने y के जगह पर 0 बराबर 6, तो x प्लस 2 से गुना होगा 0 कितना हो जाएगा 0, 6, इसलिए x बराबर 6 माइनस 0, तो x बराबर कितना आ गया 6। ये समीकरण एक का बॉक्स था ना,
समीकरण एक का, क्या हम समीकरण दो का बॉक्स यही बना दें? कितने का बना रहे हैं? समीकरण दो का बॉक्स बना रहे हैं हम, क्या सही है? कितने का बन रहा है? समीकरण दो का बॉक्स बन रहा है। सुनो, एक्स वाई, एक्स का जीरो, वाई का कितना है डियर? तीन, तीन है ना, थ्री। वाई का जीरो लियो डियर, एक्स का कितना आया है? छह। इसमें से बताओ सबसे हाईएस्ट पॉइंट कितना है? कितना है हाईएस्ट पॉइंट? छह है। अब इस तक छह है यहां, तो आपको क्या करना है, छह तक इसको खींचना है। कैसे खींचोगे बताते हैं थोड़ा सा। अब इसको छत तुम खींचना है, अब छोटा रहे चाहे बड़ा, जितना भी रहे अब ले लो, ठीक है। इसको कितना भाग में काट दो? सबको छह भाग में काट दो। ये क्या कहलाता है? एक्स, ये और ये वाई डैश, एक्स एक्स डैश, वाई और वाई डैश, है ना। ये कितना? एक दो तीन चार पांच और 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 छह, सब पर लिख दो, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव और वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। ये डैश वाला है ना, तो डैश वाला क्या लगता है डियर? माइनस लगता है। वेरी गुड, सब में माइनस लगाते जाओ, कोई दिक्कत? समझ आवे है कि नहीं आवे है? आवे है, चलेगा। अब यहां तक भी आप समझ गए, तनी आगे समझते हैं यहां से हल्का सा, है ना। देखो क्या स्क्रीन बंद हो गया कि चलते हैं? अब खोजो यहां पर, इसमें पहला वाला समीकरण में चलो, x का कितना है? y का बैठा दोनों फटाफट, दोनों मार्क में जो मार्क इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए x का जीरो, जीरो तो यहां होता है मूल बिंदु, जीरो कमा जीरो, x का जीरो, y का कितना है डियर? तीन है। y का तीन ढूंढेंगे, इसमें ढूंढेंगे जी, किसमें? ऊपर वाला में, इसमें ना। तो y का तीन यहां मिल गया हमको, तो यहां करते हैं थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं इसको। अच्छा, y का जीरो, x का तीन, x का तीन इसमें ढूंढेंगे ना, किसमें? इसमें। ओह, अब चलते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको किसी भी सहायता से हम खींच देते हैं। देखो मेरा उसमें ड्राइंग खराब है, तुम लोग सही बनाना अपना, ठीक है। हो गया, ये कितना कितना था, x का कितना लिए थे आप? x का जीरो, x का जीरो, y का तीन, और ये क्या था? x का तीन, y का जीरो, x का तीन, y का जीरो। समीकरण एक था ही, ध्यान रखिएगा। अगला, x का जीरो, y का तीन, x का फिर जीरो, y का फिर कितना आया? तीन। क्या सेकेंड बिंदु यहीं पर आ रहा है? सेकेंड वाली भी यहीं पर आ रहा है, यस या नो? यस। उसके बाद y का जीरो, x से कितना आ रहा है? छह। y का जीरो, x का छह ना, x का छह कहाँ आ रहा है? यहां आ रहा है ना, ये भी यहीं पर आया। x का, x का जीरो, y का तीन, आई आ रहा है x का छ, y का जीरो। क्या ये भी कटेगा इससे, हाँ या ना? कटा कि नहीं कटा? मेरा ड्राइंग तो बढ़िया नहीं है, बना लेना स्केल से, खींचोगे सही बनेगा तुम लोग का, ठीक है। कटा कि नहीं कटा? कटा। अब बताओ यहां भी हो गया, समीकरण एक था ना, ये वो लिख दो, ये वाला x प्लस वाई बराबर तीन था, ये समीकरण दो था, x प्लस टू वाई बराबर छ था, ठीक है। आपको साइड में ये भी लिख दिए हैं, पूर्ण समय कितना शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय और सभाज्य, रचना में क्या लगता है, ग्राफ में क्या लगता है, बता दिए आपको। देखिए ये हम पहले चेक कर दिए थे, कटेगा ग्राफ, हम बोल रहे थे ना ग्राफ कटेगा, प्रतिच्छेदी होगा, है ना, प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी होता है, बोल रहे कटेगा ग्राफ। देखो कैसे चेक किए थे, n बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, इसका भी मान था एक, इसका भी मान एक लिए, इसका भी मान था एक, इसका भी एक लिए,
टू आई का मान दो, क्योंकि ए वन बट्टा ए टू, बी वन बट्टा बी टू, सी वन बट्टा सी टू होता है। इसका तीन था सी वन का, इसका छह था सी टू का, कितना लिए? छह लिए। एक बट्टा दो, एक बट्टा दो है ना, एक बट्टा एक होगा नहीं, हाँ एक बट्टा दो, ये दोनों मैच नहीं करता है, नॉट इक्वल टू। अब पहला नहीं करता कैसे होता है? संगत, आरोप प्रतिच्छेदी और केवल एक हल है ना, तो आपको देखने को मिल गया है, पता है कि आप ग्राफ सीख जाओगे इस माध्यम से। चलो ले लो इसको।